नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह जिला अंतर्गत बैगाबाद प्रखंड के बदवारा पंचायत स्थित पिपरिया टांड गांव के विद्यालय परिसर में उक्त पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रघुनंदन कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में अनिल कुमार वर्मा और उसके छोटे भाई शिव शंकर महतो के बीच चली आ रही जमीन विवाद मामले के निदान हेतु पंचायत बुलाई गई थी। संबंधित गांव के गणमान्य लोग और पंचायत के प्रबुद्ध जन के साथ साथ कई पत्रकार भी पंचायत में मौजूद थे। पिछले दिनों अनिल कुमार वर्मा, जो पेशे से अप्रशिक्षित ग्रामीण डॉक्टर है, ने पूरे परिवार के साथ मिलकर शिव शंकर महतो की पत्नी और पुत्र के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रविवार 24 जुलाई को आहूत पंचायत में सभी पंचों के सामने अपने छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दे डाली। पंचों ने बीच बचाव करते हुए पंचायत की अगली तारीख 7 अगस्त 2022 मुकर्रर कर दिया। तब तक आपसी सौहार्द बनाए रखने की कड़ी हिदायत भी दिया गया और इसमें हम लोग इस निष्कर्ष पर उतरे कि अगले एक तिथि निर्धारित की गई है जिसमें दोनों पक्षों के जो घरैया है बंटवारा का, उसका हम लोग पैमाइश करवाएंगे अमेरिकी की उपस्थिति में, और जो भी क्षतिपूर्ति होगा दोनों को संतुष्टजनक स्थिति जमीन को देखते हुए दिया जाएगा। और प्रयास किया है कि ये लंबे समय से जो विवाद चल रहा है इसको हम लोग बिल्कुल सभी पंच की मदद से सॉर्ट आउट करें। जी धन्यवाद। बहुत लंबे अरसे से चल रहा था और आज हम लोग मिल बैठ करके एक निष्कर्ष निकाले हैं कि अगले रविवार तक इन लोगों की जमीन संबंधी विवाद अमीन के द्वारा नापी करवा कर पैमाइश करवा कर निपटा दिया जाए। तब तक इन दोनों को हिदायत दिया गया है कि ये दोनों पक्ष आपसी सौहार्द बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं कर। बिगड़ जाए और आपस में व्यवहार खराब हो जाए, दोनों भाई है मिलकर के रहे। हम सभी पंच चाह रहे हैं कि दोनों पक्ष शांति व्यवस्था बनी रहे, दोनों भाइयों में आपसी सौहार्द बना रहे। इसके लिए हम लोगों ने अभी 3 घंटा से यहाँ समय बर्बाद किया और आगे भी हम लोग को चाह रहे हैं कि जमीन का जो बंटवारा है आपस में बराबर बराबर कर दिया जाएगा ताकि दोनों भाई शांति रहेंगे। फिलहाल दोनों को अभी शांत कर दिया गया है और इस बीच में शांति रहने के लिए भी कहा गया है, सख्त हिदायत दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर दोनों पक्षों में अगर कोई विवाद उत्पन्न करता है तो वो सामाजिक और कानूनी दंड के भागी होगा।